अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो कैमरा एंगल अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है। असल में हम आज आए हुए थे पंजाब, तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर भी बनाई जाए। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं अपने गाँव के ज़मीनात में, जहाँ पर हमारे अपने खेत वगैरह हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हैं मेरे कज़न भी मेरे साथ ही हैं, अब्बास भाई। हाय। हमने सोचा आए हैं तो चले गुड़ की वीडियो तो बनाई जाए। यहाँ पे गुड़ बनाया जाता है फ्रेशली, प्रिपेयर हमने ही किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल देंगे कि गुड़ कैसे बनाया जाता है और इसके लिए कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे गन्नों का रस निकाला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक्टर के साथ अटैच किया गया है इसको, और यहाँ पे एक एक करके गन्ने डाले जाएंगे और उसका रस निकाला जाएगा। ये देखें, यहाँ से भाई गन्ने डाल रहे हैं एक एक करके और रस निकल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक नाली निकलती है जिसमें से रस निकल आता है, उसमें से सीधा यहाँ से आते हुए रस इस ड्रम में इकट्ठा होता है, जहाँ पे अब्बास भाई अपने पीने के लिए रस जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों गन्ने का जो ये रस निकालने के बाद जो ये कचरा बचता है इसको जमा कर लिया जाता है और इनको खेतों में धूप में सुखाने के बाद जलाने के काम में लिया जाता है। और ये देखें, अभी कुछ ही देर पकने के बाद इसका सारा गंध ऊपर आ गया है और भाई इसको अलग निकाल रहे हैं। ये सारा गंद निकल निकल कर यहाँ हो गया, इसी में से थोड़ा सा रस निकाल कर इसके अंदर भाईजान ने केमिकल मिक्स किया है जिससे इसकी सफाई की जाएगी, और ये सारा केमिकल अभी इसके अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। इससे अभी इस गुड़ के रस का सारा कचरा एक तरफ हो जाएगा जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसकी सफाई की जाएगी और ऊपर से सारा गंद इसका उतार लिया जाएगा। जैसे कि आप देखें अभी डाला है और अभी इतना सारा गंद ऊपर आ गया है और ये अंकल साथ के साथ ही सारा गंद निकाल रहे हैं। अभी इसको लगातार एक से डेढ़ घंटे तक पकाया जाएगा। इसको तब तक पकाया जाएगा जब तक ये बिल्कुल गोल्डन रंग में ना आ जाए। अभी ये एक और केमिकल इसमें डाल रहे हैं जिसको रंग कार्ड बोला जाता है, जिससे इसका सारा ये भी गंद साफ करने के काम आता है, इससे भी इसका सारा गंद अलग हो जाता है। ये देखें, और अभी इसका सारा गंद एक तरफ हो जाएगा और रस सारा एक तरफ। ऐसे ही कर 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 आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा गंद उतारा जाएगा जब तक ये बिल्कुल साफ और येलोइश कलर में ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि जब हमने वीडियो बनानी शुरू की तो इसका रंग बिल्कुल काला था और अब ये आहिस्ता आहिस्ता येलो हो रहा है। आप इसमें नोट करें कि ये जो कचरा है ये आहिस्ता आहिस्ता आकर इसके किनारों पे जमा हो रहा है, ये ऐसे ही जमा होता रहेगा और साइडों से उतारा जाता रहेगा। इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट और हो चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि साइडों पे जो गंद जमा हुआ है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा रहा है। हर 5 मिनट के बाद ये अमल दोबारा किया जाता है। तो गाइस काफी टाइम गुजरने के बाद अभी ये रेडी होने वाली है, लेकिन अंकल जी ने अभी बताया कि ये अभी भी बनने में 15 से 20 मिनट और लेंगे। तो अभी ये काफी हद तक तैयार हो चुकी है, 15 से 20 मिनट के बाद इसको यहाँ लाया जाएगा, कुछ टाइम उसको हिलाकर थोड़ा ठंडा करके फिर उसके ऐसे छोटे छोटे पीसीज बनाए जाएंगे। तो इस वक्त इसका टेम्परेचर का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म है, और आप देखें ये कैसे पक रहा है। अंकल ने बताया कि अगर ये किसी के हाथ पर हल्का सा इसका एक कतरा भी गिर जाए तो वहाँ पे छाला बन जाता है, तो काफ़ी दिनों तक वो सही नहीं होता। तो दोस्तों अब ये गुड़ बन के तैयार होने ही वाला है बिल्कुल, और यहाँ पे भाई इसको हिला हिला कर फिर थोड़ा ठंडा कर रहे हैं ताकि इसको निकालने के काबिल किया जा सके। तो गाइस ये इस वक्त ये रेडी हो चुका है और ये अभी निकालने ही लगे हैं, तो इसको अभी थोड़ा सा और गाढ़ा किया जा रहा है तो इसको निकाल लिया जाएगा।
तो गाइस ये अभी रेडी हो चुका है और इसको निकाला जा रहा है। यहाँ पे इसको निकाल के थोड़ी देर ठंडाई किया जाएगा। ये इस वक्त बहुत ही गर्म और काफी गाढ़ा है, इस वक्त ये बिल्कुल कैरमलाइज हो चुका है। और ये निकालने के बाद फौरन ही इसमें अगला गन्ने का रस डाल दिया जाता है ताकि आगे बनाया जाए। तो अभी आप देखिएगा कि कितना रस डाला जाता है और उसमें से सिर्फ कितना सा गुड़ बनाता है। देखिए पूरा ड्रम इसमें खाली कर दिया गया है और इसमें से इतने सारे गन्ने के रस में से सिर्फ इतना सा गुड़ बनाया गया है। अभी इसको यूं हिला हिला कर ठंडा किया जाएगा थोड़ा सा और फिर उसके पीसेस बनाए जाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गन्ने पे लगाया जाता है ताकि खाने के लिए बिल्कुल ये कैरमलाइज होता है, टॉफी जैसा टेस्ट होता है इसका। ये भी आपको टेस्ट करके बताएंगे, ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। और इसको ठंडा करके इसको यूं ही घुमा घुमा कर ठंडा किया जाता है और ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल एक टॉफी की तरह कैरमलाइज हो जाता है और कैरमल टॉफी की तरह इसका टेस्ट हो जाता है। बहुत ही मजेदार और लाजवाब होता है ये। ये जो गन्ने पे अभी हमने लगाया था इसको चीड़ बोला जाता है यहाँ पे पंजाबी में, मुझे भी सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये बिल्कुल ही कैरमलाइज हो गया है। काफी लीचा लीचा सा होता है, मतलब खींचने खींचने वाला होता है, काफी टेस्टी होता है, खा के देखते हैं। नहीं रेडी लगा के कितने लेते हैं ही, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आज समोसे खाने के पकोड़े खाने हैं। आज ये बंदा खिड़ा वाह। आज दस रुपए। इसका टेस्ट बिल्कुल टॉफी आती थी उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, क्लियर क्लियर टॉफी के जैसा टेस्ट है इसका। बिल्कुल चिपक भी बहुत रही है दांतों पे, लेकिन काफी टेस्टी और बेहतरीन चीज है। अभी तक ये अच्छा खासा गर्म है और भाई देखें साथ के साथ ही इसकी पीसेस बना रहे हैं, जो कि बहुत ही, क्योंकि अगर ठंडा हो जाए तो ये जम जाते हैं और पीसेस सही नहीं बनते, वो भी टूटने लगते हैं। ये देखें ये इतना गर्म है कि ये पिघला हुआ है अभी, और ये डायरेक्ट हाथ पे हल्का सा पानी लगा के और ये उठाते हैं। ये देखें हल्का सा पानी लगाते हैं, ये हल्का सा पानी लगा के तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अभी हम पंजाब में कुछ दिन और भी हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।